वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो नाश्ते के बाद हम लोग निकल चुके हैं हाजी अली दरगाह के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जाने वाले हैं हाजी अली दरगाह। मुस्लिम का उस एरिया में कहीं नहीं है। ये है मुंबई का खूबसूरत नगरी। आज से हम लोग घूमते हुए जाने वाले हैं हाजी अली। और हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है इस ट्रिप पे। आई होप कि आप लोग वीडियो देख करके मजा आ रहा होगा, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। बने रहिए हम लोग के साथ इस पूरे वीडियो में, इस पूरे जर्नी में, मुंबई का नज़ारा देखने के लिए, इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरत सड़कों को देखने के लिए। तो आज ये है मुंबई का समुद्र सी साइड, जहाँ से हम लोग होते हुए हाजी अली जाने वाले हैं। और ये यहाँ का लाइफ लाइन डबल डेकर बस, तो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। तो आज 31st है, तो आज संडे भी है, तो यहाँ पे अच्छी खासी रश रहने वाली है। और संडे होने की वजह से यहाँ पे रास्ता पूरा क्लीन है, क्राउड नहीं है, रास्ते पे ट्रैफिक नहीं है। और यहाँ की खूबसूरत इमारतें जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग जिस रूट से जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को रास्ते में मिलने वाला है अंबानी का एंटीला टावर, उसके बाद लता मंगेशकर जी का घर, और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये है एंटीला, मुकेश अंबानी का घर, जो कि वर्ल्ड में अभी टॉप पे आता है। और ये है लता मंगेशकर जी का घर, जहाँ पे अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। और इसके आगे आने वाला है मुंबई का प्रसिद्ध मंदिर महालक्ष्मी। ये देख पा रहे हैं, ये मंदिर महालक्ष्मी मंदिर है। और इसके बाद ही अब आने वाला है हाजी अली। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हाजी अली दरगाह, और यहाँ से अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं हाजी अली के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज संडे है एंड 31st है, तो यहाँ पर अच्छी खासी रश होने वाली है। और यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि अच्छी खासी भीड़ है। तो ये भी हम लोग जा रहे हैं हाजी अली। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हाजी अली के बाहर का ये मार्केट है। और जैसा कि आज संडे का दिन है, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत अच्छी खासी भीड़ है। और विंटर का भी समय है, अच्छा खासा भीड़ होने वाला है। कपड़े का चादर दे लो, ये कपड़े आ रही है, फूल वाली है, बचा दे रही है, सा वाली है। आज हम लोग का मुंबई का टूर का पहला दिन है। और सबसे पहले हम लोग होटल से निकलने के बाद, नाश्ता करने के बाद, हम लोग हाजी अली आए हैं। और ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। ये मुंबई का खूबसूरत समुद्र का नज़ारा, जो कि इस दरगाह को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। और ये इधर न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्शन में चालू है,
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे इस ट्रिप का पूरा वीडियो देखने के लिए आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे मुंबई टूर के जितने ही ब्लॉग है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है, बहुत सारे लोग आज 31 दिसंबर है तो उसे भी इंजॉय करने आए हैं, एंड संडे भी है। तो इसलिए यहाँ पे रश भी बहुत ज्यादा है। और ये हमारे मित्र स्टंट करते हुए इधर से कैसे आ रहा है, साफ आ रहा है। ये हाजी अली के चारों तरफ, और ये हमारे फ्रेंड्स सब इस ट्रिप का आनंद लेते हुए समुंदर की लहरों पे अपने कर्तव्य दिखाते हुए और समुंदर का मज़ा लेते हुए। ये ट्रिप हम लोगों को लाइफ टाइम याद रहने वाली है, ये जर्नी। और ये है हाजी अली एंट्रेंस का मेन दरवाज़ा जो सामने की तरफ से जाता है, ये हाजी अली के अंदर दरगाह में जाने का ये दरवाज़ा है। नहीं, इधर वाला नहीं चाहिए। खूबसूरत हाजी अली का एंट्रेंस है, हम लोग इसमें बाद में जाएंगे, पहले हम लोग साइड में घूम लेते हैं, तो कोई साइड का दिखा देता हूँ, उसके बाद हाजी अली भी चलेंगे हम लोग अंदर। और ये रहा हाजी अली के पीछे का खूबसूरत सा नज़ारा, यहाँ पे लोग समुंदर में नहाते हुए और समुंदर के पानी का मज़ा लेते हुए। संडे होने को वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये है मुंबई का खूबसूरत सबसे खूबसूरत नज़ारा जिसे दूर दूर से लोग बोल सकते हैं सस्ता जू बीच, यहाँ लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। और इस दरगाह पे तो जो कोई भी मुंबई आता है इस दरगाह पे तो एक बार ज़रूर हाजिरी देता है, और आपको यहाँ पे तरह तरह के लोग देखने को मिलेंगे, अतरंगी मतलब तरह तरह के प्राणी देखने को मिलेंगे, जैसे कोई नहा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है। तारीख
मतलब हमको लगता है कि 31st और संडे होने का इतना ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, इतना ज्यादा तो रश हमको नहीं लगता रहता होगा। शाम में ना और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारे लोग फैमिली के साथ यहाँ पे आ करके यहाँ पे समुंदर का मज़ा ले रहे हैं, यहाँ के समुंदर के लहरों का मज़ा ले रहे हैं और इस पानी में डूब करके इंजॉय कर रहे हैं और नहा रहे हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ उन दरगाह के अंदर। तो ये हम लोग बैक साइड से एंट्री कर रहे हैं, मतलब पीछे के तरफ से जा रहे हैं। तो ये हाजी अली के पीछे से हम लोग जाएंगे। अभी शायद इस दरगाह में तामीर हो रही है फ्रंट से, तो इसलिए अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो हम लोग को फातिहा या जो ज़ियारत करना है वो हम लोग को आउटसाइड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तामीर का काम चल रहा है दरगाह का। ये देखिए, ये यहाँ पे तामीर हो रही है, दरगाह का रिनोवेशन हो रहा है, इसलिए अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो आपको फातिहा या हाजिरी देनी है तो आप बाहर से ही दे सकते हैं। और ये है अंदर का व्यू। और ये बैठक खाना है, यहाँ पे लोग बैठ करके कव्वाली सुनते हैं। तो यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम होता है इस जगह पे, और आगे जा करके लेडीज़ का भी एक अलग साइड बना हुआ है जहाँ पे लेडीज़ ज़ियारत करती है। और ये हम लोग देख रहे हैं, ये फ्रंट है, तो ये एंट्रेंस है फ्रंट साइड से, बट ये अभी रिनोवेशन हो रहा है तो इस वजह से ये अभी ब्लॉक किया हुआ है, आप अंदर जाना अलाउड नहीं है। आप बाहर से ही फातिहा लेने या जो भी करना आप कर सकते हैं। और ये एंट्रेंस साइड का ये व्यू है, और ये उस साइड में आपका लेडीज़ का बैठने का या उनके रहने का इंतज़ाम है, और इस साइड से लेडीज़ लोग का ज़ियारत करने का इंतज़ाम किया गया है। और ये है दरगाह के अंदर का ज़्यारत आप कर सकते हैं, ये इनसाइड व्यू है। आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बैंड स्टैंड बांद्रा, तो बने रहिए हम लोग के साथ इस पूरे वीडियो में, इस पूरे जर्नी में। वेट कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग का, जो कि मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर